बच्चों अचीवर्स एकेडमी के जर्नलिज्म क्लासेस में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रवि शंकर शर्मा मीडिया से हूं। लंबे समय तक मेरा प्रिंट मीडिया से साथ पा रहा है। मैंने लगभग 15 वर्षों तक अमर उजाला और लगभग 10 वर्षों तक दैनिक जागरण में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम किया है। इसके अलावा तुमने माया मैगजीन, मनोरमा मैगजीन आदि के बारे में भी सुना होगा। मैं वहां भी काम कर चुका हूं और वर्तमान में दैनिक भास्कर का स्थानीय संपादक कुमाऊं हूं। आज जर्नलिज्म का पेशा बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो चुका है। युवाओं का बहुत ज़्यादा इसकी ओर रुझान बढ़ गया है। आज इंटर पास करने के बाद हर युवा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इसमें हम कैसे प्रवेश पाएं। इसके लिए कुछ टिप्स भी हैं, कुछ योग्यताएं भी हैं। योग्यता ये है कि इसके लिए ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में होना चाहिए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन इसके लिए आवश्यक है। आज तमाम प्रिंट मीडिया समूहों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने BGMC को या जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपको हिंदी की योग्यता, अंग्रेजी की योग्यता और आपके अंदर बोलने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके पास BGMC बाई द वन नहीं है लेकिन आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और आप सीधे भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ उनके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिसके आधार पर वो आपका चयन करते हैं। चयन करने के बाद प्रोबेशन पीरियड पर एज इंटर्न आपको ग्रुप में शामिल किया जाता है और 6 महीने या साल भर के प्रोबेशन के बाद आपको स्थायी नियुक्ति मिलती है। यदि आपने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इसके लिए आपको और भी तमाम सरकारी क्षेत्रों में जाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सभी सरकारी विभागों में पर्सनल रिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है जो कि विभाग के कार्यों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देता है। इसके अलावा जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति भी होती है जो कि जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BGMC है। इसके अतिरिक्त अगले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।